उसमें हम लोगों ने डॉक्यूमेंट वकील साहब को सारे कुछ दे दिए हैं और अब ड्राफ्टिंग चल रही है। तो हो सकता है परसों संडे में हम आपको ड्राफ्टिंग का, याचिका की जो ड्राफ्टिंग है, एक्चुअल में पहले हम लोगों की, आपको याद होगा कि एक याचिका प्रयागराज पड़ी थी सिद्धार्थ खरे जी जिसके एडवोकेट थे, बट उसकी जो ड्राफ्टिंग थी याचिका की वो बेमन से हुई थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो मतलब बस चलते चलते कर दी है, क्योंकि जो याचिका ड्राफ्ट हो रही है उसी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि केस आगे होगा नहीं होगा क्या होगा। तो अब सबसे पहले तो ड्राफ्टिंग की बात थी कि अच्छे से ड्राफ्टिंग हो जाए। फिर एक सिचुएशन आ रही थी कि यार 31 तारीख से, मतलब 31 तारीख तक कोर्ट खुल रहे हैं, उसके बाद में कोर्ट बंद हो जाए, अगर हम कल परसों लगाते हैं तो क्या होगा। तो उसमें ही निकल के आया कि हम लोग अवकाशकालीन बेंच में जाएंगे, हम जून के फर्स्ट वीक में लगाएंगे, जिससे कि हमें अवकाशकालीन बैंक में ही, मतलब अवकाशकालीन बेंच में ही हमारा मुकदमा सुन लिया जाए। तो वहाँ भी मेरे विचार में कोई इशू नहीं आएगा, वो आपका केस चलता रहेगा। हाँ, अच्छे वकील हैं, देखते हैं कि अच्छे सबूत भी हैं और भी सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग उसमें भी अच्छे से, कोई इशू नहीं आएगा, हम लोग जीतेंगे। देखो ये जांच की जो मांग थी उसे तो हम ले आएंगे, उसके आगे की तो मैं नहीं कहता, बट जांच की मांग हम लोग ले आएंगे। एक और जो उसमें अहम सवाल आ रहा है, वो एक अहम सवाल आ रहा है आपका कि देखो अब आप पूरे भारत के लगभग जितने भी बड़े लोग थे सबको पता है कि UPSI में क्या हुआ है। जैसे वरुण गांधी जी ने ट्वीट किया और दो बार ट्वीट किया अच्छे से उन्होंने, और काफ़ी अच्छा लिख के ट्वीट किया, जो कि एक बात सच भी है कि बंदा परेशान है, बच्चे परेशान हैं, मेहनत करें, माँ बाप अपना सपनों को दांव पे लगाएं, और कोई आता है पैसे के दम पर उन सपनों पे बुलडोजर चला के चला जाता है, और इवन जो उसके लिए जिम्मेदार लोग हैं वो उसको एक्नोलेज भी नहीं करते कि भाई ऐसा हुआ है तो कम से कम बात उठाई जाए। यूपी तक के गौरव जी हुए, उधर प्रज्ञा लाइव से प्रज्ञा मैम हुई, इधर आपके जो छोटे छोटे न्यूज़ चैनल हैं सी न्यूज़ हुआ, और ये सब भी अपना आप लोगों की आवाज़ उठाए हुए थे। उधर कल अमिताभ अग्निहोत्री जी ने भी बहुत ही TV9 पे बहुत अच्छे से इस चीज़ को सामने रखा है, भारत समाचार आपकी बात उठा रहा है। आज तक पे केवल न्यूज़ के फॉर्मेट में आया था, उसने ऐसा कुछ आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन यूपी तक ने आप लोगों की आवाज़ उठाई है। और उधर आप जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव जी ने भी सदन में भी ये मुद्दा उठाया है, सदन में तो काफ़ी कम समय के लिए उठाया, लेकिन हाँ उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो गवर्नमेंट मतलब समझ तो रही है इस चीज़ को, बट उसे पता है कि अगर जांच की गई तो शायद इसमें बड़ी बड़ी मुर्गियाँ, बड़े बड़े लोग इसमें फंस जाएंगे।